बच्चा ही देखिए देखिए इसको इसको कहा जा रहा है उठने को उठने नहीं, नहीं। इसका मोटिवेशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई इसका है बहुत हाई इसका, मोटिवेशन अभी तक है। वर्क फ्रॉम होम गया नहीं। रागी उठ भैया चल चलते हैं, उठा अब हुए उठा है। अच्छा ये होती है कौन सा उठना है। और बाकी हम देखते हैं उदित और अंशुमन। अबे अबे उठ साले, अब उठ। हाँ देख के आता हूँ। और दूसरी तरफ है हमारे नौजवान उदित। हो गया? अच्छा वो कहाँ है? अच्छा नहाने गया क्या? अच्छा सही 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 सही, वो भी उठ गए दोनों। अच्छा अच्छा नहीं रेडी नहीं है, ऐसे हो रहा है सब। अबे ओए सर तुम लोग बेइज्जती कराओगे मेरी। साले वो दोनों तैयार होने हैं ऑलमोस्ट तैयार। तो अब हम गेट पोर्टल से बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं म्यूजियम, कैलाशगिरी और दो तीन और जगह हैं, आपको दिखाएंगे बताएंगे। और बाकी हमारे महिला मित्र नहीं हमारे मित्र और ये देखिए। तो ये हमारा होटल है और ये रहा समुद्र। तो पहली बार हमने ये समुद्र देखा है, सच में मैं पहली बार रियली में देखा हूँ, रियलिटी में मतलब, सॉरी। नहीं भैया नहीं भैया, क्या हो गया? अभी हम लोग यहीं जाना है ना, पास में ही। आगे तो ये ऋषिकोंडा बीच, भीमले बीच। हाँ अभी नहीं जाना ना, अभी नहीं जाना, चलो जाएंगे तो हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू भैया। सो वी नीड टू गो हियर आल्सो कैलाशगिरी 5.6 किलोमीटर। द टाइड मैन यहां पे। And now Piyush Jain will do some surfing. He will show you how to do that. कौन सी surfing? कौन सी surfing? Aerial. और he will do a backflip in air. और उधर कुछ छोटे छोटे से पहाड़ है, पहाड़ बोलेंगे इसको। यहाँ दो पर्वतधारी है, ये रहा है कि ये पहाड़ तो नहीं बोलेंगे। ओ भाई साहब, ये हमारा भोजन, ये रहे नॉन वेज वाले भाई लोग और ये हमारा वेज शाकाहारी। तो बता अर्जुन कैसा था खाना? अरे खाना बहुत अच्छा है, दाल में थोड़ा सांभर का टेस्ट आएगा बट पनीर बहुत अच्छा है, मस्त ट्राई आएगा। रानी बिल्कुल दाल अच्छी लगी थी, बहुत सही थी यार। अंशुमान भाई कैसा था खाना? तो नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग बाइक पे तैयार हैं, हमारे वो रहे देखिए दो नौजवान, कहाँ गए हमारे दो नौजवान, ये देखिए यहाँ से देखिए दो नौजवान पीछे हैं वैसे देखिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं, बाइक ले लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं कैलाशगिरी, आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखिए इंजीनियर साहब। तो अभी हम हैं कैलाशगिरी और ये हैं हमारे कुछ दोस्तगढ़। ये देखिए फोटो खींच रहे हैं, देखिए ये देखिए देखिए ध्यान से देखिए इस बच्चे को, ध्यान से देखिए जी जी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। कहाँ हैं आप? सर कहीं ऊपर है, इधर से समुद्र दिखता है और पहाड़ दिखता है। तो जगह है सर। यार सेक्सी है लेकिन यार। तो अभी जाएंगे अंदर, बेसिकली कैलाश जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे बताएंगे बाकी। लेकिन ये जो पॉइंट है ना भाई, पॉइंट तो चीज है, मक्खन है भाई है ना, तो ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पॉइंट है। हां बेस्ट प्लेस है भाई, वाइजैक का बेस्ट मस्ट मस्ट विजिट। ऐसे एक ही फर्स्ट प्लेस है, तुमने फर्स्ट ही देखा है ना अभी तक? ये देखा तो मैंने, फर्स्ट देखा है, फर्स्ट ही अच्छा है अभी तक, यही देखा वैसे, सही बात है। टाइटैनिक सी व्यू, और ये टाइटैनिक सी व्यू जहां हम गए थे, यहाँ पर ये ट्रेन है। ओके तो बेसिकली ये ट्रेन क्या करती है कि व्यू दिखाती है, इसमें बैठ के डिफरेंट जो भी हम देख के आए और पूरा पूरी पटरी है भाई, रोल करती है और देन बहुत सेक्सी रनिंग है।
तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ गए हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम जो कि इधर है, और इधर है हमारा INS म्यूजियम। तो हम दोनों विजिट करेंगे और दिखाएंगे आपको, बताएंगे। बाकी ये लोग हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं समुद्र, तो और ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी हम टिकट लेने जा रहे हैं भाई साहब। तो टिकट की प्राइस इस तरह से, और ये रहा आपका सबमरीन म्यूजियम। थैंक यू, 50 रुपये पर बंदा। थैंक यू सर, चलो। हाँ, और ये है आपका सबमरीन म्यूजियम। एंट्री ये है, और ये म्यूजियम बेसिकली एक सबमरीन है भाई। ये तो भाई तगड़ा यार, नाइस नवल सबमरीन कुरसुरा डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी। नहीं अलाउड है। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य था, हम दिखा नहीं सके क्योंकि हमारा अलाउड नहीं था ना वीडियो, लेकिन बहुत मजा आया। ये सबमरीन का एसी है ये है भैया, देख लो। एक बार तो आने लग जगह थी भाई। तो रियल सबमरीन जो कि कभी यूज हुआ करती थी वो यहाँ पे है बेसिकली, देख लो भाई। और बगल में ही आपको दिख जाएगा समंदर। कहेगा डरा रहा है, वही बता रहा है। तो अब हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम। एक गलत चीज़ देखिए मुझे, हमको बताएंगे जरूर क्या दिक्कत है यार। वहाँ एक एंट्री है ठीक है, और इधर एग्जिट है करेक्ट। अब एग्जिट डिजाइन से करेगा तो फिर तो वहाँ आके एंट्री करेगा भाई। तो इसका कहने का मतलब है कि जहाँ एंट्री है वहाँ एग्जिट। पहले विमान देखो, फिर सबमरीन देखो, फिर अपने इधर से घर जाओ। तो मेन जो लॉजिक मेरा कहने का है वो ये है कि यहाँ पे है एंट्री गेट और वहाँ पे है एग्जिट गेट। एंट्री गेट के सामने ही सेकेंड का एंट्री गेट रखा हुआ है जो कि बेसिकली आपका सबमरीन म्यूजियम का है। तो अगर आप एंट्री करते हो तो उसी हिसाब से आप एग्जिट करोगे राइट। तो आपको यहाँ से एंट्री करने में, मतलब कि आपको सबमरीन म्यूजियम में एंट्री करने में आपको फिर ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। तो देन यू टू शट फर्स्ट थिंग लाइक कि ऐसा कुछ भी कर सकते थे, बट ओके सह लेंगे थोड़ा। तो एंट्री हो जा रही है हमारी, एंट्री होने जा रही है भाई। एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे पहले ही हमें इंडियन नेवी की हमें फ्लाइट दिख गई भैया मस्त वाली। और ये हमारी एंट्री गेट है, एंट्री गेट। चलते हैं अंदर। ओ भाई तो यहाँ पर ऐसे जाना है, पहले हम यहाँ से जाएंगे टनल के अंदर, वहाँ से करके स्टेयर से ऊपर जहाज के अंदर एंड देन एग्जिट फ्रॉम द जहाज। ओके, अरे ये मॉडल है बेसिकली पूरे इसका। हाँ करेक्ट, और ये आपका वाइजैग। बहुत ही सेक्सी लग रहा है ना यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक है ये। देख कैलाशगिरी गए थे हम, ठीक है, ये कैलाशगिरी जा चुके हैं। अराकू वैली हमने नहीं ट्रैवल करने वाले हैं हम। उसके बाद ये कुरसुरा, यही है INS वाला, ये भी हमने ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट इस लाइक ये भी डन हो गया हमारा। और ये कोई टोटला कोंडा है, ये देखना पड़ेगा कहाँ है ये। उसके बाद ये बोरा केव्स से ये तू गया हुआ है राइट, बोरा केव्स वो काफ़ी अंदर है, वो तो चलो देख लेंगे बाद में कभी। और इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा सीमांचल ये जो हम बोल रहे हैं, ये लाइट हाउस पता नहीं क्या है। हाँ ये लाइट हाउस है, लेकिन पता है इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं लाइट हाउस में। लाइट हाउस मैंने व्लॉग्स वगैरह में देखे हैं तो कुछ है नहीं खास। बस व्यू आएगा वो तो, बहुत अच्छे अच्छे व्यू देख लिए हमने तो। अब हम एंट्री कर रहे हैं अंदर, हेरिटेज जोन है बेसिकली ये। तो ये देखिए आप, इंडियन नेवीज यूनिफॉर्म्स एक्चुअली, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड अल्फा नंबर 7 एंड हियर दे आर। एस्केप मॉरल बेसिकली क्या कैसे बचना चाहिए एंड ऑल, लाइक दे नीड टू काइंड ऑफ जंप आउट ऑफ इट, मे बी दे नीड टू यूज पैराशूट फॉर द सेम द बोट दे यूज व्हेन दे यूज फॉर रेस्क्यू, सी ऑल दिस राइट। नाउ एंटरिंग इन टू इक्विपमेंट जोन, इसमें सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं बेसिकली। ये इमरजेंसी एग्जिट जैसे ऐसे गेट्स हुआ करते थे एंड इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स हैं। ये क्या है मोमोज की वो है क्या? नहीं सॉरी, ऑक्सीजन टैंक है ये, टर्बो जनरेटर।
गन्ने का जूस। ये देख भाई, एंड दिस इज बेसिकली बोट एक्चुअली, एंड दिस इज द टायर्स, एंड दिस आर द अदर एलिमेंट्स दे यूज्ड इट फॉर। इंजन NK 12 MP, बेसिकली दिस इज मे बी पावर, मेगा पावर, राइट। सो मोस्टली अच्छी रहती है, लेकिन एक बार देख सकते हैं आप एग्जैक्टली कैसे क्या यूज़ होता है एंड क्या चीज़ें हैं हमारे एयरक्राफ्ट्स में। सो ये प्रॉपर अच्छी म्यूजियम में एयरक्राफ्ट वगैरह प्रॉपर लाइक एक डिटेल में दिखाया बताया। एंड देयर इज एग्जिट, वी आर गोइंग नाउ, और ये आ गए हम लोग बाहर। देयर इज वे टू गो टू एयरक्राफ्ट, सो वी विल गो देयर। तो काफ़ी खूबसूरत जगह थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव जगह थी। बताइए कहाँ रहते हम? फ्लाइट के नीचे है बेसिकली, आप समझ देखिए फ्लाइट के नीचे। तो कैसा लगा ध्यानी भाई? बहुत ही अच्छा, बहुत ही नया एक्सपीरियंस, नया था वैसे ऐसे में। आपका ब्लॉग टू बोले इम्प्रॉम्प्टू ब्लॉग अब बेसिकली सच में यार भाई, टायर पंचर हो गया हमारा। The thing is, we like crocodile, we should be alive.